अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बीफ कलेजी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसमें से स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी और ये बोटियाँ बिल्कुल आपकी मलाई की तरह होंगी। यहाँ पे मैंने 1.5 kg कलेजी ले ली है और 1 tablespoon सिर्फ लहसुन पेस्ट इस पर ऐड कर लूँगी और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इतनी देर में जो है मसाला तैयार कर लेंगे। तो ये खड़े मसालों में तेज़पात है, सफ़ेद सूखा धनिया है, ज़ीरा है, थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पर काली मिर्च है और छोटी इलायची है और दालचीनी है। तो इससे ज़्यादा हम इसमें जो है वो गरम मसाले ऐड नहीं करेंगे और इनको जो है वो सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने अच्छे से तेल के अंदर जो है वो फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे 2 medium size के मेरे पास जो है वो प्याज थे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब इस प्याज को डार्क ब्राउन कर लेंगे और इसके अंदर 1 tablespoon सिर्फ लहसुन पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फौरन ही इसके अंदर 1 medium size की टमाटर मैंने ऐड कर लिया, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। और जो है वो इसके बाद अभी हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे, जो कि मेरे पास यहाँ पे बारबेक्यू मसाला है 2 tablespoon, 1 tablespoon पेपरिका पाउडर है और 1 teaspoon मेरे पास हल्दी पाउडर है। और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे 1/2 cup मैं दही ले रही हूँ, दही मैंने पहले से फेंट लिया था। दही इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ जो है वो 1.5 मिनट तक हमने इसे मिक्स करना है। फिर इसके बाद हमने कलेजी को जो है वो अच्छे से धो लेना है और कलेजी को जो है वो हम सिरका नहीं लगाएंगे। सिरका लगाने से आपकी कलेजी का कलर ख़राब हो सकता है, सिर्फ लहसुन से ही जो है वो इसकी जो स्मेल है वो चली जाएगी। अब जो है वो इसे हमने सिर्फ 5 मिनट तक इस मसाले के साथ भून लेना है। और मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, ये दही का और टमाटर का पानी है, जिसके अंदर जो है हमारी कलेजी अच्छे से भुन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कलेजी ने खुद ही अपना पानी छोड़ दिया। अब 5 मिनट के बाद हमने इसके अंदर 1.5 tablespoon नमक ऐड कर लिया है, 1/2 teaspoon मैंने इसमें गर्म मसाला और 3 अदद हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मज़ीद जो है वो 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 2 tablespoon के करीब मैंने पुदीना ले लिया था, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और थोड़ा सा मैंने धनिया ऐड कर दिया है और थोड़े से स्लाइसिस में अदरक के पीसेस थे वो मैंने कट करके ऐड कर लिए हैं। और इसे जो है वो मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह से हल्की आंच पे पका लेंगे। और ये देखिए मज़ेदार सी कलेजी बनके तैयार हो चुकी है। तो मैं भी आपको इस कलेजी की फाइनल लुक भी करीब से दिखा देती हूँ कि कितनी यम्मी और ज़बरदस्त सी बनी थी ये कलेजी। और जो है वो इसे बनने में वीडियो के साथ सिर्फ 10 मिनट लगे थे। जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारी जो रेसिपी होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन इस रेसिपी को वीडियो के साथ बनने में सिर्फ 10 मिनट लगे थे। तो झटपट से आप ये बनाएं कलेजी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।